बगैर अल्ट्रासाउंड के आप पहचानोगे कैसे कि आपको किडनी स्टोन है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं मारना है आपको, बस ये जो पेट है पेट के बीचों बीच जो हिस्सा है इसके पीछे जाइए, पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जहाँ किडनी होती है रीढ़ की हड्डी के पास, यहाँ किडनी यहीं होती है और यहीं इसी साइड में दर्द होता है पीछे वाली साइड में, और इतना तेज़ दर्द होगा कि आपसे सहन नहीं होगा, और इसमें गैस बनती है, गैस बनती है तो सिर पर चढ़ेगी, सिर भी दर्द रहेगा, चक्कर आएंगे, बेचैनी सी बनी रहेगी, कभी कभी तो सांस भी इससे फूल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। किडनी में जो स्टोन हो जाती है उसमें असहनीय दर्द होता है जिसे लोग पहचान नहीं पाते और हॉस्पिटलों में जाकर के कई कई दिन बढ़ती भी रहते हैं, लेकिन उन्हें आखिरकार ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, जो कि मात्र 2-3 दिन दवा खाने से स्टोन बाहर निकल जाती है, फिर भी उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जो किडनी स्टोन से परेशान है, दवाई खा ली, दर्द बंद हो गया, फिर कुछ दिन बाद दर्द शुरू हो गया। तो दोस्तों आप घर बैठे ही इस पाउडर को बना लें जिससे कि आप इस यानी स्टोन से ही नहीं बल्कि आपका पेट, पाचन शक्ति और जो दर्द की समस्या उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों पहचाने कैसे, बगैर अल्ट्रासाउंड के आप पहचानोगे कैसे कि आपको किडनी स्टोन है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं मारना है आपको, बस ये जो पेट है पेट के बीचों बीच जो हिस्सा है इसके पीछे जाइए, पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जहाँ किडनी होती है रीढ़ की हड्डी के पास, यहाँ किडनी यहीं होती है और यहीं इसी साइड में दर्द होता है पीछे वाली साइड में, और इतना तेज़ दर्द होगा कि आपसे सहन नहीं होगा, और इसमें गैस बनती है, गैस बनती है तो सिर पर चढ़ेगी, सिर भी दर्द रहेगा, चक्कर आएंगे, बेचैनी सी बनी रहेगी, कभी कभी तो सांस भी इससे फूल जाती है, और पेशाब करने में परेशानी होती है, कभी कभी तो पेशाब रुक तक जाता है, और कभी कभी बहुत तेज आएगा, कभी कभी आएगा नहीं। तो ये सारी समस्या यदि आपको है तो किडनी स्टोन की आपको समस्या है, और किडनी स्टोन की समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा, क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आज आपको हम देने वाले हैं। और हाँ दोस्तों सबसे ख़ास बात, आप मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही उसको लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, तो मेरी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्त कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं वो बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे उन जड़ी बूटियों को पंसारी से लेके आएँ और अपने घर पर ही अच्छे तरीके से उसको साफ़ करके बना लें। तो दोस्तों ये जड़ी बूटियाँ जो है आपको बड़ी आसानी से पंसारी पर मिल जाएंगी, और याद रखें जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जड़ी बूटियों का चयन सही करें और सही जड़ी बूटी लेके आएँ, ये नहीं कि आप रखी हुई ले आएँ, भुनी हुई ले आएँ जिसमें उसमें सुराग हो रहे हों या उसमें काली पड़ रही हो, ऐसी जड़ी बूटियाँ नहीं लेके आनी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सही जड़ी बूटी लेके आओ, साफ शुद्ध लेके आओ। दोस्तों सबसे पहली जड़ी बूटी है इंद्रजौ। इंद्रजौ दो प्रकार के आते हैं, एक कड़वा और एक मीठा, किडनी स्टोन है कोई सा भी चलेगा, कड़वा ले लो या मीठा ले लो। दोस्तों कड़वा ज़्यादातर है शुगर वाले पेशेंटों के लिए, यदि आपको किडनी स्टोन भी है और शुगर भी है तो इसमें आपको मिश्री की मात्रा नहीं डालनी है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। और जिन लोगों को शुगर नहीं है और सिर्फ किडनी स्टोन है तो आपको मिश्री की मात्रा उसमें ज़रूर डालनी है। और दोस्तों अब दूसरी जड़ी बूटी कौन सी है, दूसरी जड़ी बूटी है खरबूजे के बीज, और तीसरी जड़ी बूटी है बड़ी इलायची के दाने।
मात्रा क्या क्या है। इंद्रजौ 50 ग्राम, 100 ग्राम आपको खरबूजे के बीज लेने हैं और 10 ग्राम मात्र बड़ी इलायची के दाने लेने हैं। इन सबको अच्छी तरीके से धूप में सुखाएं, सुखाने के बाद उसे पीस लें या खल्लड़ में अच्छे तरीके से उसको कूट करके कपड़े में छान लें और इसमें जितना ये इसका वजन है उससे डबल आपको मिश्री मिलानी है। यानी कि ये हो गया तुम्हारा 50, 100 और 10, 160 ग्राम हो गया। अब आपको 160 ग्राम का डबल 320 ग्राम आपको मिश्री इसमें मिक्स कर देनी है और कपड़े में छान करके अच्छी तरीके से किसी कांच के जार में या शीशी में आप भर के रख लें। एक चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को 10-10 ग्राम की मात्रा। यदि आप चम्मच समझ में ना आ रहा हो तो 10-10 ग्राम की मात्रा सुबह, दोपहर और शाम को गर्म पानी के साथ आपको लेनी है और गर्म पानी का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। गुनगुना पानी पियोगे उतनी जल्दी आपका जो किडनी स्टोन है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के मैं वीडियो आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ और आप इसी तरीके से मेरे ऊपर प्यार व स्नेह बनाए रखें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक या किसी नई औषधि के साथ। तो सभी साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। जय प्रकृति माता की।